चलो बताओ नेक्स्ट करें, नेक्स्ट सॉल्व करें। ठीक है नेक्स्ट बताओ बेटा। हाँ ये सवाल अच्छा है, इस सवाल पे अभी आते हैं थोड़ी देर में, अभी करेंगे इसको। अब ये बताओ, ये सवाल बताओ, इन अ रिजल्ट पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई वी एक्स वाई जेड। ये सवाल क्या सेम वही सवाल है जो मैंने अभी कराया था, याद करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सवाल है। इसमें क्या ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उससे क्या ई आ जाएगा, और जब ई आ जाएगा तो हम वन ई एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 1 1 लिख के निकाल लेंगे। अब ये देखो पी वाई क्यूज करने का फायदा है कि नहीं है बताओ मुझे, है? सवाल रिपीट हुआ, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ, बट हल्का सा ट्विस्ट है। तो क्या उस ट्विस्ट को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे पकड़ने की? ठीक है इसको अभी कराऊंगा, अभी थोड़ा डिटेल में कराऊंगा, ठीक है ना, उसको टेंशन मत लो। ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला करते हैं। अब बताओ वी जो है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वहां पे नहीं दिया हुआ था बट ऐसा दिया हुआ था कि हमें पता चल रहा था कि वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, हाँ है, दिख रहा है हमको। अब हमें क्या करना है, क्या करना है बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को? क्या हम ई एक्स की वैल्यू निकालें, ई एक्स निकालें? ई एक्स क्या होगा बेटा बताओ, ई एक्स डायरेक्ट करेंगे सवाल को, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स करें, डेल वी बाई डेल एक्स। वी इधर ये दिया हुआ है, देखो अब यहीं पे करूंगा, ये इसमें क्या है एक्स वेरिएबल है इस वाले टर्म में, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस पहले लगा माइनस सिक्स, और यहाँ पे वाई कांस्टेंट है और एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एट वाई बचेगा। ठीक है ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, क्या सही है ये? इसकी वैल्यू अब कितने पे निकालना है, इसी पे रख लेते हैं वैल्यू, बार बार पूरा लिख के नहीं लिखेंगे, किस पे निकालनी है ई की वैल्यू, 1 1 1 एक्स 1 y 1 z 1। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 8 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 8 6 माइनस, मतलब -6 -8 कितना हुआ, -14, और माइनस यहाँ लगा हुआ तो कितना हुआ, +14 हो गया, ई एक्स की वैल्यू हो गई। चलो ऊपर लिख लेते हैं ई एक्स इक्वल टू +14, यहाँ तक सही है नए बच्चों, समझ में आ रहा है, कोशिश करो बेटा अडॉप्ट करने की, हो जाएगा। ठीक है ई वाई निकालें, ई वाई निकालें, एक दो हल्का सा आगे भी स्टेप में है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ये फॉर्मूला है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी डी एक्स हम लिखते थे ना, याद है ना, भूल गए, वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल, ये दो फॉर्म में होता है, नोट कर लो, अगर ऐसे दिया होगा डिफरेंशियल, ऐसे दिया होगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, ये दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे, ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, वी इजकल टू माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है आद्या समझ में आ रहा है बेटा, आज तुम तो हो रेगुलर हो इलेक्ट्रोस्टेट से ना, कब से आ रहे हो आप, वो देखो उसको नींद आ रही थी, अब आंखें पोछी, आ रहा है समझ में आ रहा है बेटा, कुछ नींद आ रही हो तो मुंह धुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही। अभी कहीं पढ़ रहा था मैं कि दोपहर की नींद और पता नहीं क्या था, तीन चीजें थी, दोपहर की नींद और एक चीज और था, और तीसरा था कि ये चीजें बहुत खुश खुश खुशकिस्मत वालों को मिलती है, उसमें था दोपहर की नींद और था लास्ट में था खामोश बीवी, बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तो कितना बेटा ई वाई कैलकुलेट करें, तो मैंने अपनी वाइफ को पढ़ाया तो नाराज हो गई, नहीं बात तो उसने सही कही थी, नहीं अभी तुम लोग को अनुभव नहीं है उन सब चीजों का, होगा धीरे धीरे। चलो ई वाई निकाले, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई निकालें, ठीक है चलो माइनस डेल अपॉन डायरेक्ट निकालते हैं, चलो कोशिश करें, ई वाई, ई वाई इक्वल टू माइनस, अब बताओ डेल बाई डेल वाई, ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म
माइनस एट एक्स, ये वाला टर्म माइनस एट माइनस एट, ठीक है, और ये वाला टर्म प्लस सिक्स जेड, क्या यहां तक ठीक है? अब एक्स वाई जेड की वैल्यू रखो तो ये क्या हो गया, माइनस सोलह प्लस छ कितना, माइनस दस, और ये कितना होगा, प्लस दस, ठीक है ना। तो ई वाई की वैल्यू लिख लो, ई वाई इज इक्वल टू टेन, लिख सकते हैं। चलो ई जेड निकालते हैं, ई जेड निकालते हैं, क्या आया बताओ, ई जेड निकालो। तुम लोग की देखो टी शर्ट ऑर्डर कर दी है, ठीक है, कलर नहीं अच्छा है, अरे बहुत अच्छा कलर है, वो लाल पीला बंदर की तरह लगोगे लाल पीले में, एलन से थोड़ा अलग है उनका, और वो है उनका और लाइट है। अरे तो अपना इंस्टीट्यूट एलन से कम है क्या, ऐसे मत सोचो, एलन वाले ने छह बच्चे पढ़ाए थे शुरू में, हम कितने पढ़ा रहे हैं, छह तो शुरू में हमने भी पढ़ाए हैं तो स्टार्ट अच्छी आए, लेकिन है ना अभी सात महीने में तो 35 बच्चे हैं ना, उन्होंने साल भर छह ही पढ़ाए थे, हम आगे, हाँ 35 साल भर, हाँ देखो देखो कितना मोटिवेटेड है नहीं ये कंफर्टेबल है, कितना है, माइनस सिक्स आ रहा है, पक्की बात है, भरोसा कर ले, कितना आ रहा है, माइनस सिक्स, पक्की बात है, चलो तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे, रुको रुको मैं वेरीफाई करूंगा, कितना आ रहा है, प्लस शुरू का क्या आ रहा है, टेन और माइनस सिक्स, लगता हमने पहला ही गलत कर दिया, पहला क्या किया भाई, ई एक्स निकालो, ई एक्स क्या है, ई एक्स क्या है, ई एक्स क्या आएगा, माइनस सिक्स माइनस एट, एट वाई, वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू, तो माइनस टू आएगा, तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस टू, यही तो गलत कर रहे थे, ठीक है, वो जोड़ दिया था, यहां भी निगेटिव लगा दिया था, हो जाएगा। अब ई की वैल्यू बताओ क्या हुई, अभी सवाल हुआ नहीं है, अभी सवाल हुआ नहीं है, बताओ, नहीं तो ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ई बताओ, सुनो पहले ई की वैल्यू फाइनली लिखो, ई इज इक्वल टू ex, ex कितना, 2 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस माइनस 6 k कैप, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 2 इसका यानी 4 प्लस कितना 100 प्लस 36 कितना हुआ, अंडर रूट 140, ठीक है। अब पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज टू सी, फोर्स पूछा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हुई, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू की वैल्यू 2 इंटू ई की वैल्यू अंडर रूट 140, अब इसको अंडर रूट 140 को सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 इंटू दो गुड़े 35 कितना हुआ, 4 अंडर रूट 35, 2 से तो पहले भी है, 4 अंडर रूट 35, डी वाला ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, पी वाई क्यूज अगर करके गए थे, वो वाला सवाल लगाया था तो कि ये वाला सवाल हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलत करके आएंगे, करके आएंगे, हल्का सा अलग किया ना। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, लेकिन शायद तुम मैग्नीट्यूड ना निकाल पाओ, हो सकता है तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना ना पता हो, ई बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड निकाल लोगे, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओ, नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर, शुरू की क्लासेस में बता दिया था मैंने, वेक्टर्स में
वेक्टर्स में ही पढ़ाया था ये, ठीक है ना, वो नहीं निकाल पाओ तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन सवाल को सॉल्व करना जरूरी है। सवाल नहीं सॉल्व करोगे तो, इसलिए कहते हैं पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू कर लोगे तो उसकी उसी टाइप से मिलता जुलता सवाल आएगा, या तो तुमको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट को पकड़ के ये लोग सवाल दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, बताओ। ये सवाल है, देखो कुछ नहीं है सवाल, ई डॉट डी ए निकाल देना है डायरेक्ट। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना दिया हुआ है, ए चार्ज कंटेन इन द स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एक चार्ज कंटेन इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, चार्ज और ओरिजिन कितना दिया हुआ है, क्यों ठीक है, क्यू इन की वैल्यू निकालनी है। देखो ई इंटू फोर पाई ए स्क्वायर इजक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्साइलन नॉट, और E की वैल्यू AR दी हुई है, ठीक है ना। R अगर A है तो क्या हो जाएगी क्यू इन की वैल्यू, क्यू इन इज टू फोर पाई एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर इंटू ए आर ए इंटू ए, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर पाई एप्साइलन नॉट ए इंटू ए स्क्वायर। ये कुछ नहीं, केवल इस पे गॉस लॉ के ऊपर सवाल है, मैनिपुलेशन के ऊपर, ठीक है ना, हो जाएगा, छोटा सा सवाल है ये। चले नेक्स्ट चले, नोट करो नोट करो नोट करो, नहीं इसका, हाँ बताओ, लोअर भी अरे कोई बात नहीं बेटा, लॉस और तो होते रहते हैं जिंदगी में, हाँ? क्या किसको, ड्रेस को, हाँ रोज कहाँ पहन पाओगे, अभी तो फिलहाल एक ही मंगा, पहले तो सोचे थे तुम लोग के लिए नहीं मंगाएंगे, लेकिन हमने कहा मंगा देते, तुम लोग पुराने स्टूडेंट, हाँ इसी यही सोच के तो मैंने मंगाया फिर, और मतलब बेस्ट मटेरियल का मंगा रहे हैं, सस्ते वाले नहीं मंगाए, ऐसे कंफर्टेबल कपड़े के हैं, कॉटन के थोड़े महंगे मिलते हैं, और जो वो होते हैं ना टेरिकॉट, जो ऐसे वो स्लिपरी से कपड़े होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, लेकिन वो गर्मी में इतने बेकार हो जाएंगे ना कि रैशेज हो जाएंगे, तो फिर बेटर क्वालिटी का है, उन सब चीज़ों को छोड़ो, वो थोड़ा सा ये है कि आप लोग के लिए थोड़ा आओ जाओगे तो थोड़ा हमारा भी ऐड होगा ना, तुम लोग में भी यूनिटी होती है, अच्छा लगता है, थोड़ा ब्रांडेड लगता है ना, किसी एक दिन मैंडेटरी कर दूंगा, एक दिन तो पहन के आना ही आना है, एक ही को धुल धुल के पहनो नहीं तुम लोग की एक पार्टी कराएंगे कहीं बाहर करेंगे, उसमें पहन के चलेंगे सब लोग, एग्जामिनेशन से एक कुछ दिन पहले एक रिलैक्सेशन पार्टी कराएंगे तुम लोग की, ठीक है ना, हाँ एग्जाम से पहले करूँगा ना, ज़्यादा नहीं टाइम लॉस होगा, वन आवर की करेंगे बस, कॉफ़ी वॉफी पिला देंगे तुम लोग को, तो उसमें ये है कि आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएंगे, जो आप लोग का स्ट्रेस है वो दूर हो जाए, और आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई करिए, उस चीज़ के ऊपर वो करिए, और सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर तो पार्टी पार्टी है, फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। चलो स्टेप बाय स्टेप चलो, सीढ़ी है ना, जैसे तीसरी मंजिल पर जाना है तो हम देख रहे हैं तीसरी मंजिल बहुत अच्छी है, और हमारा पैर अगले स्टेप पे नहीं है तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, ऐसा है ना,
इसी बिल्डिंग के ऊपर पे जाना है हमको, सबसे ऊपर जाना है, तो क्या डायरेक्ट ऊपर देखने पे ऊपर पहुंच जाओगे, छलांग मार दोगे? नहीं है। आपका आपका पहला काम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशनल मैं देने लग गया हूँ आजकल, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो आपका जो नज़र है ना, नज़र हमेशा ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आपका काम क्या है नेक्स्ट स्टेप पे। आप विजन रखिए, एक होता है विजन एक होता है एम, तो एम आपका होना चाहिए आपके नेक्स्ट स्टेप पे, और विजन आपका हमेशा ब्रॉड होना चाहिए। लाइफ को लेके भी विजन ब्रॉड रखो। एमबीबीएस एक जस्ट शुरुआत है, उसके आगे का तुम्हारा विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये भी नहीं कि ये भी लाइफ एंड डेथ का सवाल है, विजन ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में मुझे खुश रहना है, पैसे अच्छे से कमाने हैं, अच्छे से नाम करना है, पूरी जिंदगी में एक अच्छी अच्छी लाइफ जीनी है ना। वो इन टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, और एक अच्छा नागरिक भी हो सकता है कि आपको अच्छा नागरिक भी बन के रहना। ये नहीं कि एमबीबीएस तो कर लिया लेकिन बस गुंडों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं अपाचे लेके, तो उससे क्या मतलब है? उससे भी कोई मतलब नहीं है। करेक्टर लॉस कर दोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। बेकार से डॉक्टर बन जाओगे, कोई आएगा ही नहीं पेशेंट। बहुत सारे डॉक्टर हैं मैरिज में जो नहीं कर पाते। पहला स्टेप ये बता देता हूँ, सुनो सुन लो ध्यान से सुन लो, कि जो अगला स्टेप आपको दिख रहा है, जैसे आज आप अपना अच्छा करोगे, आज के दिन में अगर आपने 13-14 घंटे काम कर लिए, पढ़ लिया अगर 15 घंटे, तो आपका कल अच्छा हो जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा ना। कल क्या करना है हम अभी से नहीं डिसाइड कर सकते ना, कल के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल किस पे है? हमारा कंट्रोल केवल आज पे है। मेरा भी कंट्रोल, तुम्हारा ही नहीं, हम भी काम कर रहे हैं, मान लो मैं बिजनेस अपना डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं केवल आज के दिन ही तो मेहनत कर सकता हूँ। कल क्या होगा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आज का मुझे पता है, आज मैं अपना मैक्सिमम दे सकता हूँ। आज मैं रुकूंगा, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, चार चीज़ें मैनेज करूंगा, वट एवर इज नेसेसरी। मैं मैक्सिमम काम अपना होता है पहले सुबह उठकर नोट करता हूँ कि आज ये काम करना है। एक डायरी आप लोग भी बनाइए, आपको क्या क्या काम करना है, और कोशिश करिए सुबह उठते ही, जैसे आप उठे अपने आप टू डू लिस्ट बनाइए। बड़े बड़े लोग, मंत्री विधायक और मतलब बड़े बड़े प्रधानमंत्री, उनकी भी लिस्ट होती है ना, वो लोग आज आज ये मीटिंग निपटानी है, ये करना है, वो करना है ना। देखो जो आलसी लोग हैं उनका कुछ नहीं, उनको तो पूरे दिन कोई काम नहीं है, लेकिन जो वर्किंग वाला है उसके पास काम है ना, पूरा दिन काम है। मेरे पास भी 10 काम है, मैं नोट करता हूँ ये आज इनसे मीटिंग है, आज यहाँ अमर उजाला निकालना है, आज यहाँ करना है, आज वहाँ करना है, आज ये बोर्ड चेंज कराना है। बोर्ड चेंज कराया, देखा अच्छा लग रहा है? अब तुम लोग का ही कर दिया, नहीं देखा? बहुत बढ़िया बोर्ड लगवाया, तो वो करना है। तो आपको जो आज का दिन मिला है केवल उस दिन की मेहनत कर लो, कल का मत सोचो। विजन लंबा रखो, जैसे अभी हो रहा है कि नहीं सवाल हो पा रहा है, तो मैक्सिमाइज करो कि आज कितना मैक्सिमम कर सकते हो, कल का मत सोचो, जब बैठे हो उस वक्त कितना कर सकते हो उस पर फोकस कर लो। मतलब आप पहली सीढ़ी पे फोकस किए, जाना ऊपर है लेकिन आपका फोकस क्या है? पहली सीढ़ी के ऊपर है। अगर अगर तुम दो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करो, क्या गिर जाओगे? क्या तीन सीढ़ी चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलना जाता है, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो अपने आप कब ऊपर पहुंचोगे पता नहीं चलेगा। तो आपका प्राइम टास्क क्या है? आपको अपने डे में मेहनत करनी, जो आपका डे है उसको मैक्सिमाइज करना है। करोगे मैक्सिमाइज? कोशिश करोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करें, मैक्सिमाइज करते हैं क्वेश्चन को। हाँ नहीं नहीं अभी ये सवाल बचा है, इधर के बच्चे हैं ना। ये भी गुस्सा हो गया। देखो ये सवाल जो है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आप लोग से होगा नहीं, ये सवाल हो जाएगा? बताओ, ये 2015 में आया हुआ सवाल है, और अभी हमने क्या किया था, क्या था, कौन सा किया? आने दो आने, ये AIPMT 2014, ठीक है ना, लास्ट ईयर का सवाल था, ठीक है ना, लास्ट ईयर का सवाल था, और इसमें आ गया 2015 में आ गया ये वाला सवाल, कौन सा? ये, तो जो PYQ लास्ट ईयर का लगा गया होगा उससे ये सवाल हो गया होगा, हो गया होगा ना, जो नहीं लगाया उससे नहीं हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल ले, कुछ भी निकलवा ले, निकाल लोगे? यस सर। ठीक है ना, तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? ठीक, अब ये सवाल है, ये देखो बहुत टफ सवाल है ना, अभी नहीं कराएंगे इसको, ये सवाल नहीं कर पाओगे, ट्राई करना, करा दूंगा लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, लंबा सवाल है, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये सवाल करो, चलो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये भी, लेकिन हो जाएगा, कोशिश करो, करो इसको बताएंगे।
अब देखो ये आया है 15 में, लेकिन 16 दो सवाल अब तक 20 सालों में दो सवाल मुझे टफ लगे हैं, मतलब मुझे क्या टफ लगे, टफ हैं ये सवाल, ठीक है ना, जो सोल्यूशन भी बड़े हैं। तो आप लोग कितना भी पढ़े होगा, नहीं एक दो सवाल होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ वही तो छोड़ दे, देखो कितनी क्लेवर है, मतलब इसको कॉन्फिडेंस है कि 5 छोड़ के बाकी सब हो जाएंगे, यही तो चाहिए आदमी को, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। चलो ये सवाल करो, पढ़ते हैं सवाल को। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड e, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इज थ्रू द सेम वर्टिकल h, द टाइम फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द फॉल ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो रहे हैं दोनों गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए सर, अच्छा 3-6 हो गए, कौन से सर हैं, अच्छा फिजिक्स वाले सर। चलो ये सवाल छोड़ो, ये सवाल बाद में कराएंगे, थोड़ा लंबा सवाल है, एक सवाल मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, चलो छोड़ो कल कराएंगे, कल थोड़े से और डिस्कस। मैं एक सवाल बताना चाहता हूँ, सुन लो तुम मुझसे, ये सवाल भी करा देंगे। देखो ये सवाल है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर 1/r स्क्वायर में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा 0 एज r इंक्रीज, देखो ये ऑप्शन होगा 0 एज r इंक्रीजेज r लेस देन 0 एंड डिक्रीजेज एज इंक्रीजेज डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेस फ्रॉम r इज ग्रेटर देन r, वही चीज है, स्फेरिकल कंडक्टर है उसके क्या है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बाहर गए तो क्या हुआ, बाहर गए तो डिक्रीज हुआ, कैसे 1/r स्क्वायर में, ठीक है ना, ये सवाल हो गया। उसके बाद तुम्हारा इतना छोटे छोटे सवाल है, देखो ये सवाल देखो, एक टू दो पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज हैं, दोनों ऐसे चार्ज ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, बीच में उसकी पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐड हो जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ बताया था इनफाइनाइट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, पढ़ाया था ना इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उसके साइड में लाइन चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, वो पढ़ाया था, उससे करोगे वो सवाल हो जाएगा, ये सवाल करा है। अब ये क्या, इन्हें सर्टेन रीजन आर वॉल्यूम 0, बहुत छोटा सवाल है, बेकार सवाल है, गंदा सवाल है, सवाल आना भी नहीं चाहिए, इतना ईजी सवाल है, सुनो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर की, ठीक है ना, कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम दिया हुआ है, स्फीयर मानो, स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट, ठीक है, अब पोटेंशियल क्या है पूरे स्फीयर में, क्या है पोटेंशियल कांस्टेंट, अच्छा पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0, खत्म हो गई कहानी, क्या सवाल करना है इसको, पढ़ा चुके हैं, इक्वीपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, इक्वीपोटेंशियल सरफेस है, नहीं तो लगा लो E इक्वल टू -dv/dx और v कांस्टेंट है तो E कितना 0, कॉन्सेप्ट से भी समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल से भी समझ में आ रहा है, आ रहा है, हो गया सवाल, चलो इधर ले आओ और आओ, आओ दौड़ो दौड़ो इधर आओ, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ दिस एज अ यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का गोला है, 15 सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, भाई स्फेरिकल है कंडक्टर है, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, E इक्वल टू KQ/r स्क्वायर, अच्छा अब बताओ, अब नया सवाल बनेगा तो क्या बन सकता है, इनसाइड द स्फीयर बन सकता है, और टफ करें तो क्या बनेगा, सॉलिड कंडक्टर बना देंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, उसका भी वेरिएशन मैंने आप लोगों को कराया है, रो को वेरी कराया था, भूल गए सब लोग, तुम लोग को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा दिए हैं, वो सवाल होंगे तुम्हारे, अच्छा और एकदम गंदा सा सवाल, बहुत छोटा सा, क्या सवाल है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तो कल पढ़ाया था, म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई, फॉर्मूला याद है तो सवाल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू वीडी, ये किस में आया, नीट 2020 में आया हुआ सवाल है, अब बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और खतरनाक सवाल बनाएंगे, तो क्या जो फॉर्मूला वीडी का क्या पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाया था, क्यू ई ई वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या उस पर सवाल आ सकता है, टफ बनेगा तो क्या उस पर जाएगा, अब समझ में आ रहा है,
सवाल इजी है, कराए हैं। अब अगर तब बनेगा तो कहां जाए भाई, वीडी का सबसे छोटा फॉर्मूला पूछा है इन्होंने, ड्रिफ्ट फिलॉसफी मैंने डिटेल में पढ़ा दी, याद है वीडी की एक और इक्वेशन निकलवाई थी कल, क्या निकलवाई थी याद करो, याद दिलाओ, मुझे नहीं याद। VD इज इक्वल टू EE tau by 2m, क्या वो इक्वेशन दी होगी तो सवाल हो जाएगा, मतलब वो वाले पे सवाल होगा तो VD निकाल लोगे भाई, टफ सवाल बनेगा तो वहीं तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस आया? कल सवाल सॉल्व करके आएंगे, मैं दोबारा फिर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।